सरकारी स्कूल के टीचर को जादुई बक्सा देकर 41 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। ठगों ने बक्से में से रोजाना 10,000 रुपए निकलने का दावा किया। रुपए नहीं निकलने पर टीचर को ठगी का पता चला। मामला अजमेर के केंकड़ी का है। ग्रेड 3 टीचर अशोक मीणा ने केंकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। टीचर ने कहा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मार्च 2019 में देवगांव गेट के बाहर स्थित दीदारनाथ आश्रम में माता काली के मंदिर में रोजाना जाता था, जहां उसकी मुलाकात सब्जी मंडी निवासी जयप्रकाश शर्मा सिद्धांत नाथ अघोरी से हुई। उसने अपने आप को बड़ा तांत्रिक बताया और उसे विश्वास में ले लिया। टीचर ने बताया कि 14 जनवरी 2020 को आरोपी जयप्रकाश ने उसे विश्वास दिलाया कि शाहपुर महाराष्ट्र निवासी शिवनाथ बहुत बड़ा तांत्रिक है, जो तुम्हें एक बक्सा देगा, इसमें से हर रोज 10,000 रुपए निकलेंगे, जो 3 साल तक रोज निकलते ही रहेंगे। इस तरह अशोक तांत्रिक के झांसे में आ गया। लकड़ी के बक्से के लिए 3 लाख रुपए तांत्रिक जयप्रकाश के खाते में डाल दिए। अशोक तांत्रिक जयप्रकाश के साथ महाराष्ट्र में शिवनाथ के पास गया, जहां शिवनाथ ने उसे लकड़ी का बक्सा दिया। टीचर ने बताया कि तांत्रिक शिवनाथ की ओर से दिए बक्से से 6 दिन तक रोज 10,000 रुपए निकले, लेकिन इसके बाद पैसे निकलना बंद हो गए। अशोक ने जयप्रकाश को इसकी जानकारी दी, जिस पर उसने कहा कि वो तांत्रिक शिवनाथ से बात करेगा। शिवनाथ ने अशोक को बॉक्स वापस लाने के लिए कहा। पीड़ित और जयप्रकाश महाराष्ट्र में शिवनाथ के पास गए। शिवनाथ ने कहा कि अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए धार्मिक स्थल बंद है, खुलेंगे तब बक्से को ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर शिवनाथ ने बक्सा उसके पास रख लिया। तांत्रिक शिवनाथ को बक्सा देने के कुछ ही दिन बाद जयप्रकाश ने कहा कि उसे जमीन में गड़ा हुआ धन मिला है, जिसे शुद्ध करना होगा। तांत्रिक शिवनाथ को 1 लाख रुपए की जरूरत है, अगर तुम दोगे तो मैं तुमको सोने का 5% दे दूंगा। इसके बाद झांसे में आकर अशोक ने तांत्रिक शिवनाथ के खाते में 1 लाख रुपए भिजवा दिए। आरोपी जयप्रकाश ने उसे पूरा भरोसा दिलाने और प्रभावित करने के लिए देवगांव गेट स्थित आश्रम के एक कमरे में भेजता, जहां बिखरे पड़े पैसे लाने को कहता। टीचर झांसे में आ गया। जमीन में दबा धन निकालने और बक्सा वापस लाने के नाम पर तांत्रिक उससे 14,95,255 रुपए अपने खाते में डलवा दिए। वहीं 6,50,000 रुपए कैश ले लिए। साथ ही पूजा अर्चना और तंत्र विद्या के नाम पर भी 2 साल में 20 लाख रुपए ठग लिए। टीचर ने बताया कि दोनों तांत्रिक आस्था के नाम पर फंसाकर 41,45,255 रुपए अब तक ठग चुके हैं। टीचर को करीब 2 महीने पहले ठगी का एहसास हुआ। टीचर ने तांत्रिक से रुपए वापस मांगे तो वह टालमटोल करता रहा। करीब 20 दिन पहले जयप्रकाश गायब हो गया। अशोक मीणा ने बताया कि उसने तांत्रिक को रुपए देने के लिए बैंक से भी लोन लिया था। सिटी थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि 2 तांत्रिकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब मामले में जांच की जा रही है।